हेलो फ्रेंड्स, सस्ता स्टेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे नॉलेज लाता रहूँगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लॉकडाउन में फंस गए हैं किसी जगह पर और आपको ऑफिस में घर बैठे काम निपटाना है, यानी सबसे ज़्यादा समस्या आजकल यही हो गई है कि आपका सिस्टम या लैपटॉप किसी तरीके से आपके ऑफिस में फंस गया है और आप घर पे हैं, आपको क्या मेथड अपना है जो सबसे इजीएस्ट, फास्ट और कम एफर्ट लगाने से आपको हो जाए। तो मैं वही आज बताने वाला हूँ। एक सॉफ्टवेयर है रिमोट एनी डेस्क, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये बहुत लोगों को पता नहीं है। सपोज आप के ऑफिस में है पर आप नहीं कर पा रहे हैं, डेली आपको उस सिस्टम को एक्सेस करना है, तो इसमें ऑप्शंस हैं जिससे आपको बिना अटेंडेड यानी किसी के वहाँ पर रहे हुए आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे आप अपने घर के घर बैठे ऑफिस के सिस्टमों को रोज़ एक्सेस कर सकें और आप अपने सिस्टम को बंद कर सकें, फिर कल सुबह रोज़ एक्सेस कर सकते हैं। ये एक फ्री वेयर है, ज़्यादातर ये फ्री फैसिलिटी दे रहा है एनी डेस्क, तो आप स्मॉल यूजर्स के लिए फ्री ही है, तो आप यहाँ इससे डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही स्मॉल सॉफ्टवेयर है, 3 MB का है जस्ट, तो आप विंडोज़ के लिए यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं और लिनक्स के लिए ये कर सकते हैं। ये विंडोज़ के लिए हमने किया, देखिए जस्ट 3.2 MB का है, आप देख सकते हैं जस्ट 3.2 MB का है। इसको आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया और कितने कम समय में ये हो जाता है। आपका इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादा स्लो भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट देखिए कितनी जल्दी डाउनलोड हो गया। और आप इसको आप डेस्कटॉप पे रख लीजिए, आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ से कट करके आप इसको यहाँ डेस्कटॉप पर रख लीजिए। ये ऑलरेडी मेरे पास था तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया, जस्ट यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए। अब आपको ऑफिस वाले सिस्टम में तो एनी डेस्क इंस्टॉल होना ही चाहिए। अब वहाँ इंस्टॉल सपोज आपने कर लिया है तो इसमें देखिए रिमोट एक्सेस का दो ऑप्शन है। एक तो अटेंडेड एक्सेस, मींस वहाँ पे कोई चाहिए जो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है वहाँ पे। और एक दूसरा ऑप्शन है, जैसे आप मैंने एनी डेस्क ओपन किया, आपको यहाँ पर आईडी देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ सेट पासवर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि किसी सिस्टम का एनी डेस्क लें तो उस सिस्टम का आप यहाँ पर उसकी आईडी आपको लेना होगा, वहाँ पर एनी डेस्क ओपन होना चाहिए, ये ध्यान रहे। आप ओपन खुला छोड़ दीजिए वहाँ, अगर रोज एक्सेस करना है तो वहाँ पे खुला छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए आईडी यहाँ पे आपको लिखना होगा और कनेक्ट पर क्लिक करना है, अलाउ एक्सेस, तो ये रिक्वेस्ट जाएगा वहाँ, जहाँ जिस आईडी को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ये दूसरी जगह, वहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगा, वहाँ रिक्वेस्ट जा चुका है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, एक तो ये ऑप्शन होता है कि वो एक्सेप्ट कर ले, तो एक्सेप्ट बटन होता है वहाँ पर। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर आपके पास पासवर्ड है अनअटेंडेंट एक्सेस के लिए कि वहाँ किसी की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए बहुत अच्छा है पासवर्ड मीडियम। जैसे ही मैं पासवर्ड डालूँगा वो कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ किसी तरह की कोई रिमोट नहीं, ये मैंने वहाँ के सिस्टम को कंट्रोल में ले लिया जो हमने ऑफिस पे सिस्टम रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर किसी तरह का डिस्टरबेंस होता है या नेट डिसकनेक्ट हमारे यहाँ, तो वो प्रॉब्लम हो सकती। हमने यहाँ दोबारा कनेक्ट कर लिया, आप देखिए यहाँ बैठे बैठे हमने अपना ऑफिस के सिस्टम को
कनेक्ट करने। लेकिन यहाँ पर ये एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका इंटरनेट स्मूथ होना चाहिए। अगर आपको इंटरनेट में ही प्रॉब्लम है तो फिर आप कैसे उस पर कर सकते हैं। तो वो ज़रूरी है कि आप इंटरनेट स्मूथ होना चाहिए। एक तो ये हो गया ऑप्शन, एक ये हो गया अगर वहाँ कोई है तो वहाँ रिक्वेस्ट जाता है तो आप रिक्वेस्ट के हिसाब से, सपोज़ मेरे सिस्टम को किसी को एक्सेस कराना है, मैंने यहाँ बंद कर दिया और एनीडेक्स हमने ओपन कर दिया और मेरे सिस्टम को, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है कनेक्ट करने का और हमने उम्मीद करता हूँ, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट का बटन आ रहा है। अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा तो वो स्क्रीन आ जाए, हमारी स्क्रीन वहाँ दिख जाएगी और हमारा स्क्रीन रिमोट लोकेशन से ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। अभी हमने एक्सेप्ट कर लिया यानी रिमोट लोकेशन पे हमारा सिस्टम अब कनेक्ट होने वाला है और वहाँ से ऑपरेट होने वाला है। ये देखिए अब वहाँ से ऑपरेट हो रहा है। ये दूसरा मेथड एक विदाउट पासवर्ड, उसमें ज़रूरी है कि कोई एक्सेप्ट करेगा। यहाँ देखिए मैं अब यहाँ बैठे बैठे ऑपरेट कर रहा हूँ आपका सिस्टम, आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ से बैठे बैठे ऑपरेट कर लिया है। तो ये सबसे अच्छा रास्ता है कि आप अपने एनीडेक्स में पासवर्ड सेट कर लें, और पासवर्ड कैसे सेट करते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। एनीडेक्स मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और पासवर्ड आप सेट कर लें यहाँ से, सेट पासवर्ड, ये देखिए ऑप्शन है सेट पासवर्ड। यहाँ पर एक यहाँ ऑप्शन देखिए यहाँ पर अनअटेंडेड एक्सेस, इस पर टिक करना है और यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देना है जो भी सेट करना चाहते हैं। आप अप्लाई कर दें, उसके बाद आप उसको एनी डेस्क को ओपन करके वहाँ छोड़ दें, ऑफिस सिस्टम को ऑन करके और एनी डेस्क ओपन करके छोड़ दें, और उसके बाद आप पासवर्ड डाल के यहाँ पर घर बैठे डेली अपने सिस्टम पे काम कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इस तरह के वीडियोस में लाता रहूँगा, आप ज़रूर हमें कमेंट लिखें और आगे आपको किस तरह के ऐप चाहिए आप हमें ज़रूर लिखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के आते रहेंगे। थैंक्स।